हेलो फैमिली, आई एम बैक विद अनदर एक्साइटेड वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कुछ इस प्रकार की स्टेटस वीडियो को कैसे बनाएं जो कि आजकल इंस्टाग्राम पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो इस वीडियो को बनाने के लिए मेरे को एक भाई ने इंस्टा पर मैसेज करके बोला था, तो मैं इस वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर आ चुका हूँ। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो आगे बढ़ने से पहले, अभी तक आपने हमारे वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो का मटेरियल लेने के लिए आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद वहां पर आपको मटेरियल्स मिल जाएगा इस वीडियो का। तो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। वीडियो को बनाने के लिए आपको कट कप को ओपन करना है। ओपन करने से पहले आपको किसी भी VPN को डाउनलोड करके आपको किसी भी सर्वर पर आपको कनेक्ट कर लेना है। तो इस वाले VPN की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। तो आपको फिर से एक बार कप कट में आ जाना है। कप कट में आ जाने के बाद यहाँ पर आपको प्लस वाले प्रोजेक्ट पर यहाँ पर टैप करना है। टैप करने के बाद अब आपको इमेज पर चले जाना है। इमेज में जाने के बाद यहाँ पर आपको किसी भी इमेज को ले लेना है। तो मैंने यहाँ पर इमेज को ले लिया। इमेज को लेने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको फॉर्मेट में आना है। फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ पर आपको 9:60 वाला फॉर्मेट ले लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इमेज पर टैप करना है। इमेज पर टैप करने के बाद यहाँ पर आपको रिमूव बैकग्राउंड पर टैप कर देना है। उसके बाद आपको बैक आना है। बैक आ जाने के बाद आपको यहाँ पे एक कैनवास है, कैनवास पर टैप करना है। कलर में जाके आपको कोई सा भी कलर ले लेना है। तो मैंने यहाँ पे ये वाला कलर ले लिया। उसके बाद आपको इमेज पर टैप करना है। उससे पहले आपको बैक आना है, इमेज पर टैप करना है। इमेज पर टैप करने के बाद आपको दो उंगली से इमेज को यहाँ पर आपको नीचे राइट साइड पर रख लेना है। कुछ इस तरह से आपको रख लेना है। रखने के बाद यहाँ पर आपको बैक आना है। बैक आ जाने के बाद आपको इमेज पर टैप करना है और आपको इमेज को यहाँ पर 2.8 सेकेंड तक रख लेना है। कुछ इस तरह से रखने के बाद यहाँ पर आपको बैक आना। बैक आ जाने के बाद आपको ऐड ऑडियो करना है। यहाँ पर मैंने वीडियो पहले बना रखा है तो मैं उसी का ही सॉन्ग यहाँ पर लेने वाला हूँ। तो लेने के बाद यहाँ पर आपको इंपोर्ट ऑडियो पर टैप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका ऑडियो आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एंड स्क्रीन को डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद आपको बैक आना है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्लस वाले ऑप्शन पर टैप करके आपको 4 या 5 आप जो भी पिक लेना चाहे वो आप ले सकते। तो मैंने यहाँ पर 4 लिए है तो आप 4 भी ले सकते हो। 4 पिक लेने के बाद आपको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपको हर एक इमेज को यहाँ पे फिल स्किन कर लेना है। फिल स्किन करने के बाद आपको इमेज को यहाँ पर 4 सेकंड तक रखना है। तो मैं यहाँ पर 4 सेकंड तक रख रहा हूँ। अब चाहे तो 5 या 6 सेकंड तक भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पर 4 सेकंड तक रख लिया। उसके बाद आपको दूसरे वाले इमेज पर जाना है, उसको यहाँ पर फिल स्किन कर लेना है। फिल स्किन करने के बाद यहाँ पे इसको भी आपको 4 सेकंड तक रख लेना है। सॉरी, अभी थोड़ा सा ये सही से नहीं हो रहा क्योंकि थोड़ा सा छोटा करना है इमेज को, इसलिए। तो आपको दूसरे वाले इमेज पर जाना है और यहाँ पर आपको इसको भी फिल स्किन कर लेना है। फिल स्किन करने के बाद आपको इसको भी यहाँ पर आपको छोटा कर लेना है। कुछ इस तरह से आपको हर एक इमेज को 4 सेकंड तक रख लेना है। अरे, कुछ इस तरह से रखने के बाद आपको लास्ट वाले इमेज पर टैप करना है। इसको यहाँ पे आपको फिल स्किन कर लेना है। फिल स्किन करने के बाद आपको इसको भी 4 सेकंड तक रख लेना है। कुछ इस तरह से रखने के बाद यहाँ पे आपको पहले वाले इमेज पर आ जाना है। इमेज पर आ जाने के बाद यहाँ पर आपको टैप करना है। इसके बाद आपको एनिमेशन में जाना है और यहाँ पर आपको इन एनिमेशन में चले जाना है और यहाँ पे आपको थोड़ा सा आगे जाके स्विंग बॉटम नाम का इफेक्ट मिलेगा जो कि ये रहा। तो आपको इसको लेने के बाद यहाँ पर आपको इसको ड्यूरेशन को फुल कर लेना है। तो मैं यहाँ पे पहले ऑडियो को बंद कर लेता हूँ। ऑडियो को बंद करने के बाद आपको बैक आना है। बैक आ जाने के बाद आपका एक और बार बैक आना है। उसके बाद आपका वीडियो थोड़ा प्ले करके देखना है तो कि आपका इमेज है वो सही से आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपने जो भी इमेज को ऐड किया उस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद एनिमेशन में जाना है और यहाँ पे आपको ये कॉम्बो एनिमेशन मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको टैप करना है। उसके बाद थोड़ा सा लोड लेगा। लोड लेने के बाद आपको आगे जाना है। थोड़ा सा आगे जाने के बाद यहाँ पर आपको ये
डिस्ट्रोट राइट वाला जो इफेक्ट है इसको ले लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इसको ड्यूरेशन भी फुल कर लेना है। इसके बाद आपको बैक आना है। बैक आ जाने के बाद यहाँ पर आपको एक बार इमेज पर टैप करना है, कॉम्बो में जाना है, यहाँ पर आपको वही वाला इफेक्ट है वो ले लेना है। ये रहा, इसको लेने के बाद आपको दूसरे या तीसरे वाले इमेज पर टैप करना है, वहीं पे जाके आपको वही वाला एनिमेशन है उसको ले लेना है। आपको लास्ट वाले इमेज पर टैप करना है, वहीं जाके आपको वही वाला एनिमेशन ले लेना। उसके बाद आपको बैक आना है, उसके बाद बैक आना है, उसके बाद आपको वीडियो को प्ले करके देखना है। अच्छे से आ रहा है वीडियो, तो आपको उसके बाद आपको ऑडियो पर टैप करना है। ऑडियो पर टैप करने के बाद यहाँ पर आपको ऑडियो को यहाँ से आपको डिलीट कर लेना है। अरे डिलीट कहाँ से होता, हाँ डिलीट यहाँ से हो कर लेना। डिलीट करने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर ये वाले ऑप्शन पर टैप करके आपको वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर वीडियो पहले से एक्सपोर्ट कर रखा है, तो मैं आपको फिर भी दिखाने के लिए यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बैक आना है। डन पर टैप करने के बाद यहाँ पे आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद यहाँ पर आपको न्यू प्रोजेक्ट पर टैप करना है। न्यू प्रोजेक्ट पर टैप करने के बाद यहाँ पर आपको वीडियो में चले जाना है, और आपने अभी जो वीडियो एक्सपोर्ट किया उस वीडियो को यहाँ पर ले लेना है। तो मैं यहाँ पर ले लूँगा। उसके बाद आपको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर ये ओवरले वाले ऑप्शन पर टैप करना है। ऐड ओवरले वाले ऑप्शन पर टैप करना है, और आपको आपका इमेज, आपका जो आगे का इमेज है वहाँ पे ले लेना है। तो मैं यहाँ पे ये वाला इमेज ले लूँगा। उसके बाद यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने के बाद अब आपको इमेज को आगे थोड़ा ले लेना है, आगे थोड़ा स्टार्टिंग तक ले लेना है कुछ इस तरह से। इस तरह से लेने के बाद यहाँ पे आपको इसको वीडियो के लास्ट तक ले लेना है। लास्ट तक लेने के बाद यहाँ पर आपको इसी में जाने के बाद यहाँ पे आपको इस वाले इमेज को भी यहाँ पे रिमूव, बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो इसके लिए आपको बैकग्राउंड रिमूव पर टैप करना है। उसके बाद आपको बैक आना है। बैक आ जाने के बाद एक और बार बैक आने के बाद यहाँ पे आपको कैनवास पर टैप करना है। कलर में जाके आपको कोई सा भी कलर ले लेना है, तो मैं यहाँ पे ये वाला कलर ले लूँगा। उसके बाद आपको बैक आ जाना है, और यहाँ पर आपको वीडियो पर टैप करना है। वीडियो को टैप करने के बाद आपको दो उंगली से टैप करके आपको वीडियो को थोड़ा सा उठा करके, आपको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ यहाँ पे कुछ इस तरह से रख लेना। रखने के बाद यहाँ पर आपको बैक आना है। बैक आ जाने के बाद यहाँ पर जो ऊपर जो आपने जो अभी पिक लिया उस पर आपको टैप कर देना है। टैप कर देने के बाद आपको इमेज को उठा करके, थोड़ा सा उठा करके आपको इस तरह से आपको यहाँ पर आपको नीचे की तरफ यहाँ पे राइट साइड पे रख लेना है। रखने के बाद यहाँ पर आपको बैक आना है। बैक आ जाने के बाद यहाँ पर आपको एक और बार बैक आना है, और यहाँ पर आपको एंड स्क्रीन को डिलीट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्लस वाले ऑप्शन पर यहाँ पर टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको चारों के चारों इमेज को फिर से ले लेना है कुछ इस तरह से। इस तरह से लेने के बाद यहाँ पर आपको इमेज को, इस वाले इमेज को भी यहाँ पर आपको चारों को चार चार सेकंड तक रख लेना है। तो मैं यहाँ पे आपको जल्दी से ये चार सेकंड तक करके दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से सभी के सभी इमेज को चार सेकंड पर करने के बाद यहाँ पर आपको अब आपको पहला जो अपने इमेज को ऐड किया वहाँ पर आपको टैप करना है, एनिमेशन में जाना है। और यहाँ पे आपको कॉम्बो वाले एनिमेशन में जाके आपको फिर से वही वाला एनिमेशन को यहाँ पर डाल लेना है। थोड़ा आगे जाके तो आपको वही वाला जो एनिमेशन है यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको ड्यूरेशन को फुल कर लेना है, क्योंकि ये रहा ड्यूरेशन, इसको फुल कर लेना है। फुल करने के बाद आपको दूसरे वाले इमेज पर जाना है, और यहाँ पे वही वाला एनिमेशन को डालने के बाद आपको तीसरे वाले इमेज पर टैप करना है, और यहाँ पर भी आपको सेम एनिमेशन डालने के बाद आपको लास्ट वाले इमेज पर भी सेम वाला एनिमेशन डालने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाना है, और एक बार बैक आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको वीडियो को देख लेना है। तो सॉरी, मैंने यहाँ पर पहले जो इमेज डाला उसके अंदर एनिमेशन डाला नहीं। तो आपको इमेज पर टैप करना है, एनिमेशन में जाना है, इन वाले एनिमेशन में चले जाना है, और यहाँ पर आपको ये स्विंग बॉटम वाला जो एनिमेशन है इसको यहाँ पर आपको रख लेना है। रखने के बाद यहाँ पे आपको इसकी जो ड्यूरेशन है इसको यहाँ पर फुल कर लेना है।
तो फुल करने के बाद कुछ इस तरह से आपका एनिमेशन इमेज का आ रहा है, जो कि बहुत मस्त लग रहा है। उसके बाद आपको आगे का वीडियो है वो चल रहा है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको बैक आना, बैक आ जाने के बाद यहाँ पर आपको अभी जो ऐड ऑडियो नहीं करना है, तो ऐड ऑडियो आपको तीसरे वाले वीडियो में करना है। तो मैं यहाँ पे आपको दो ही वीडियो दिखाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत बहुत सभी का सभी दिखाने जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऐड ऑडियो पर टैप करना है। मैं आपने पहले से वीडियो में बना रखा है, तो मैं यहाँ पे इसी का ऑडियो यहाँ पर लेने वाला हूँ। तो लेने के बाद यहाँ पर आपको इस ऐसे ऑडियो को लेने के बाद यहाँ पर आपको बाकी का जो ऑडियो है यहाँ पर आपको इसको स्प्लिट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डिलीट कर लेना है, तो जो कि आपको आपका जो वीडियो है कुछ इस तरह से आपका आ जाएगा। तो आपको इसी तरह से आप चाहे तो दो या तीन या चार या पांच, आजकल छः छः वीडियोस एक साथ बनाकर आप इंस्टाग्राम पर डाल सकते हो। वो वहाँ पे बहुत वायरल हो रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे इस वीडियो को यहाँ पे बनाना सिखाया है। तो आप इसी तरह से आपको इस वाले ऑडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाकर आप इस ऑडियो को डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। और वहाँ पे आपको वीडियो सही से बनाने के बाद यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन पर टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।